यहाँ शुरू करते हैं अपना आज कि राजस्थान में या राजस्थान के लोकगीत, लोकगीत या फिर लोक संगीत, लोकगीत आज टॉपिक शुरू करते हैं अपने राजस्थान में कि अपने राजस्थान में अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग गीत गाने की परंपरा है कि महिलाओं के द्वारा जो गीत गाए जाते हैं वो अलग अलग प्रकार से अलग अलग क्षेत्रों में प्रचलित है। उनकी अपन बात करें आज इन लोकगीतों की, ठीक है। एक एक करके अपन सारे गीत आज देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखिए अपन पहला गीत देखिए अपन पणिहारी गीत। कौन सा गीत है पणिहारी गीत, ठीक है। पणिहारी गीत क्या होता है कि जब महिलाएं कुएं से पानी लेके आती है तो उनको पणिहारी कहते हैं। महिलाएं अपने सिर के ऊपर गड़ा रखकर पानी लेने जाती है या फिर पानी लेके आती तो महिलाओं उनको पणिहारी कहते हैं, और जो महिलाएं पानी लाते हुए जो गीत गाती है उसको पणिहारी गीत कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? पणिहारी गीत। महिला कुएं से जब पानी लेके आती तब महिला जो गीत गाती है उनको पणिहारी गीत कहते हैं, ठीक है। इसमें देखिए अपन पणिहारियों द्वारा गाया जाने वाला गीत, कि पणिहारियों द्वारा जो गीत गाया जाता है गाया जाने वाला गीत उसको पणिहारी गीत कहते हैं, ठीक है। आगे दूसरा देखें, दूसरा गीत है ओल्लू। कौन सा गीत है? ओल्लू। ओल्लू गीत जो है जब किसी लड़की की विदाई होती है विदाई के समय पर गीत जो गीत गाया जाता है उसको ओल्लू कहते हैं। यानी बेटी के ब्याह के समय या विवाह के समय विदाई पर गाया जाने वाला गीत क्या कहलाता है? ओलू कहलाता है। क्या कहलाता है ओलू। यानी किसी पिता के बेटी का जब विवाह होता है बेटे के विवाह के अवसर पर उसके विदाई पर गाया जाने वाला गीत क्या कहलाता है? ओलू कहलाता है। कि किसी लड़की का जब विवाह होता है जब विदाई जो डोली उड़ती है यानी विदाई होती है उस समय गाँव में जो महिलाओं के द्वारा जो गीत गाया जाता है उसको ओल्लू गीत कहते हैं। कौन सा गीत कहते हैं उसको? ओल्लू कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए अपन नेक्स्ट, इसमें तीसरा लोकगीत है डोला मारू जो है एक व्यक्ति का नाम है, उस व्यक्ति के नाम के कारण ये गीत प्रचलित हुआ है डोला मारू, ठीक है। ये वर्षा ऋतु में गीत गाया जाता है। और अपने राजस्थान में कहाँ गाया जाता है? राजस्थान में सिरोही क्षेत्र में कहाँ गाते हैं इसको? सिरोही क्षेत्र में इस डोला मारू गीत को गाया जाता है। और इसको कब गाते हैं वर्षा ऋतु में, ठीक है। आगे देखें चौथा गीत है कांगसियो। कौन सा गीत है? कांगसियो गीत क्या है इसको देखिए अपन। कांगसियो इसके नाम से ही प्रतीत हो रहा कि कांगसियो यानी इसमें कांगसे के द्वारा
जो महिलाओं के जो बाल होते हैं उन बालों का नक्षिक वर्णन किया गया है, कि बालों का जो श्रृंगार करके बालों का इसमें वर्णन किया गया है, इसमें कांगसियों में। ठीक है, इसमें देखिए अपन पश्चिमी राजस्थान में पश्चिमी राजस्थान में पश्चिमी राजस्थान में बालों के श्रृंगार का वर्णन है कि इस कांगसो गीत में क्या किया जाता है, जो महिलाओं के जो बाल होते हैं बाल बनाने के पश्चिमी राजस्थान कहाँ प्रचलित है, पश्चिमी राजस्थान में, कि महिलाओं के बालों के श्रृंगार का वर्णन किसमें है, कांगसो गीत में। कांगसो गीत में क्या है कि महिला जो बाल बनाती है और बालों के जो श्रृंगार किया जाता है उसका वर्णन जो कांगसो गीत में किया जाता है, और ये महिलाओं द्वारा ये गीत गाया जाता है। कहाँ गाते हैं, पश्चिमी राजस्थान में। ठीक है, आगे नेक्स्ट बात करें पांचवा मर्सिए क्या है। मर्सिए क्या होता है, एक शोक गीत है। क्या है, शोक गीत, ये एक शोक गीत है, शोक गीत है ये। मर्सिए क्या है, एक शोक गीत है। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है उस समय जैसे कोई प्रभावशाली व्यक्ति है उस व्यक्ति के मृत्यु पर लोगों ये मर्सिए गीत गाए जाते हैं। ये पश्चिमी राजस्थान में गाए जाते हैं। पश्चिमी राजस्थान में किसी प्रभावशाली व्यक्ति की मृत्यु पर गाए जाते हैं। यानी इसमें किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है जो किसी प्रभावशाली व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उस मृत्यु के अवसर पर ये शोक गीत गाए जाते हैं, मर्सिए गाए जाते हैं। इनको क्या कहते हैं, मर्सिए कहते हैं। क्या कहते हैं, मर्सिए। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है प्रभावशाली व्यक्ति की तब वहाँ पर मर्सिए गाए जाते हैं। ठीक है, आगे और देखें छठा गीत है अपने राती जगा या रात्रि जागरण। ये रात्रि जागरण अपने राजस्थान में बहुत ज़्यादा प्रचलित है। सभी के ये अक्सर गाँव में ज़्यादा प्रचलित होता है रात्रि जगा या रात्रि जागरण। ये होते क्या है, जैसे किसी देवता के वहाँ पर जैसे कोई देवी है, देवता है, देवी देवताओं के वहाँ पर जो रात्रि जागरण जगाया जाता है या रात्रि जागरण लगाया जाता है उसी को रात्रि जगा या रात्रि जागरण कहते हैं। किसमें जैसे कोई देवी है, देवता है, भैरू जी है, कोई जुझार जी है, इस प्रकार की जो देवता है अपने राजस्थान में उन सभी देवताओं के वहाँ पर रात्रि जागरण का आयोजन किया जाता है, कि किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा देवी देवताओं के वहाँ पर जो रात्रि जागरण लगाया जाता है उसको रात्रि जागरण कहते हैं। इस रात्रि जागरण के अंतर्गत अपने राजस्थान में क्या है, दाल बाटी चूरमा बनाने की परंपरा बहुत ज़्यादा प्रचलित है। और यहाँ का दाल बाटी चूरमा, रात्रि जागरण का दाल बाटी चूरमा इतना बढ़िया लगता है कि शायद अपने भारत में जो भी डिशेज बनती है उन सभी को फेल करने वाली चीज़ कौन सी है, दाल बाटी चूरमा। रात्रि जगह के अंदर जो दाल बाटी चूरमा बनता है, दाल बाटी चूरमा, वह सभी को सारी डिशेज को फेल करता है। जितनी भी मिठाइयाँ है या कोई सी भी मिठाई ले लो उन सभी को फेल करने वाली चीज़ क्या है, दाल बाटी चूरमा। ये कहते हैं हम भारत के सूरमा खाते हैं दाल बाटी चूरमा, हम भारत के सूरमा खाते हैं दाल बाटी चूरमा। ठीक है, ये रात्रि जागरण विशेष रूप से अपने यहाँ पर बनाया जाता है राजस्थान में, और जो अच्छा भी लगता है खाने में, मज़ा भी आता है। ठीक है, रात्रि जागरण ये किसी रात्रि के समय
रात्रि के समय लोग देवी देवता रात्रि के समय देवी देवताओं के देवी देवताओं के देवी देवताओं के वहाँ रात्रि के समय देवी देवताओं के वहाँ गीत गाने की परंपरा गीत गाने की परंपरा है परंपरा है। ये रात्रि जागरण विशेषता सबसे ज़्यादा जो वैशाख जो अपना वैशाख महीना आता है जो भी चल रहा है इस वैशाख महीने में सबसे ज़्यादा रात्रि जागरण का काम या रात्रि जागरण लगाए जाते हैं। ठीक है, अपने राजस्थान में सबसे ज़्यादा रात्रि जागरण जो वैशाख महीना होता है इस महीने में लगाए जाते हैं। ठीक है, रात्रि के समय देवी देवताओं के वहाँ पर गीत गाने की परंपरा क्या कहलाती है, रात्रि जागरण कहलाता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखिए, और ये गीत है गणगौर। कौन सा गीत है? गणगौर। गणगौर गणगौर जो है, जब गणगौर आती है गणगौर के अवसर पर महिलाओं के द्वारा गीत गाए जाते हैं। जब गणगौर आती है या जब गणगौर का मेला पड़ता है गणगौर के अवसर पर महिलाओं के द्वारा गणगौर गीत गाए जाते हैं। गणगौर के गीत गाए जाते हैं। किसके? गणगौर के गीत गाए जाते हैं। कब? गणगौर के अवसर पर महिलाओं के द्वारा गणगौर के गीत गाए जाते हैं। कब गाते हैं? गणगौर के अवसर पर। ठीक है, ये हो गए अपने लोकगीत। आगे और देखिए अपन इसमें, आगे अपन एक एक करके सारे लोकगीत देखिए अपन इसमें। यहाँ देखिए अपन लावणी, नेक्स्ट अपना लोकगीत है लावणी। कौन सा गीत है? लावणी। कि इसमें लावणी में क्या होता है कि किसी नायक के द्वारा अपनी नायिका को बुलाने के अर्थ में गाए जाने वाला गीत क्या कहलाता है? लावणी कहता है, लावणी कहलाता है। कि नायक के द्वारा नायिका को बुलाने के अर्थ में जो गीत गाते हैं वह लावणी गीत कहलाते हैं। नायक के द्वारा नायिका को बुलाने के अर्थ में गाए जाने वाले गीत क्या कहलाते हैं? लावणी कहलाते हैं। कि नायक के द्वारा नायिका को बुलाने के अर्थ में गाए जाने वाले गीत क्या कहलाते हैं? लावणी कहलाते हैं। अक्सर क्या होता है, महिला जल्दी रूठ जाती है तो पुरुष के द्वारा जब महिला को मनाया जाता है या फिर उनको पुचकार कर या पुरुष उनको सहला कर उनको जब बुलाया जाता है नायक के द्वारा नायिका को बुलाया जाता है बुलाने के अर्थ में गाए जाने वाले गीत क्या कहलाते हैं? लावणी कहलाते हैं। महिलाएं अक्सर जल्दी रूठ जाती है तो पुरुषों के द्वारा जो उनको मनाया जाता है या फिर उनको जो बुलाया जाता है उनको लावणी गीत कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अपन इसमें, नेक्स्ट गीत है अपना केसरिया बालम। कौन सा गीत है? केसरिया बालम। केसरिया बालम आओनी पधारो मारे देश। ठीक है, ये गीत जो है अपने प्रेमी की प्रतीक्षा के रूप में जब महिला के द्वारा ये गीत गाया जाता है कि इसमें किसी प्रतीक्षा में व्यतीत स्त्री की व्यथा का वर्णन इस गीत में मिलता है। इसमें देखिए अपन अपने प्रेमी की प्रतीक्षा में अपने प्रेमी की प्रतीक्षा में
अपने प्रेमी की प्रतीक्षा में व्यतीत स्त्री स्त्री की व्यथा का वर्णन है कि इसमें क्या होता है कैसरिया बालम में, कि कैसरिया बालम अपने प्रेमी की प्रतीक्षा में, अपने प्रेमी की प्रतीक्षा में स्त्री बेटी है, व्यतीत स्त्री बेटी है, वह अपने प्रेमी के बुलाने के अर्थ में उसका वर्णन कर रही है। क्या कर रही है? उसका वर्णन कर रही है। ठीक है, क्या कर रही है? वर्णन कर रही है कि अपने व्यतीत स्त्री जो है अपने प्रेमी की प्रतीक्षा में बैठी है, और इसमें जिस प्रकार बैठे उसी प्रकार लक्ष्मण की पत्नी, जब लक्ष्मण वनवास चले जाते हैं तब उनकी पत्नी भी व्यतीत होकर अपने पति की प्रतीक्षा में बैठती है, उसी प्रकार से इस यहाँ पर कैसरिया बालम में भी ये व्यतीत स्त्री अपने प्रेमी या फिर अपने पति की प्रतीक्षा में बैठी है। ठीक है, और यह गीत जो सबसे पहले गौरी देवी ने गाया है कैसरिया बालम, किसने गाया है? गौरी देवी ने सर्वप्रथम गाया है। ठीक है, गौरी देवी ने सर्वप्रथम गाया है, इस चीज़ का ध्यान रखना। एक और है अल्लाह जिल्ला भाई ने इसको सर्वाधिक बार गाया है। इसको कैसरिया बालम आवा ने पधारो मारे देश को सर्वाधिक बार गाया है। ठीक है, कि गौरी देवी ने सर्वप्रथम गाया है कैसरिया बालम आओ ने पधारो मारे देश, और अल्लाह जिला भाई ने इस गीत को सर्वाधिक बार गाया है कैसरिया बालम को। ठीक है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना। अगर नेक्स्ट देखें, एक गीत है अपने पपेयो गीत जो है ये वर्षा ऋतु में गाया जाता है, और इसका प्रतीक क्या है? इसका प्रतीक पपेयो है। पपेयो पक्षी इसका प्रतीक है पपेयो गीत का। आगे देखें नेक्स्ट लोकगीत जोरावा गीत। कि जोरावा गीत क्या होता है? कि जोरावा गीत जो है जैसलमेर क्षेत्र में अब किसी महिला के द्वारा अपने पति के प्रदेश जाने पर महिला जो है गीत गाती है, उसको जोरावा गीत कहते हैं। कि किसी महिला का पति जब प्रदेश चला जाता है तो उसके वियोग में बैठकर जो स्त्री गीत गाती है उनको जोरावा गीत कहते हैं। कौन सा गीत कहते हैं? जोरावा गीत। जैसलमेर में किसी महिला का पति जब विदेश चला जाता है तो उसके वियोग में गाए जाने वाले गीत क्या कहलाते हैं? जोरावा गीत कहलाते हैं। यानी जब किसी महिला का पति विदेश चला जाता है तब उसकी पत्नी जो है उसके वियोग, पति के वियोग में जो गीत गाती है उन गीतों को
जो रावा गीत कहते हैं, जो जैसलमेर में गाए जाते हैं। कहाँ गाए जाते हैं? जैसलमेर में। ठीक है, नेक्स्ट लोकगीत देखें, नेक्स्ट लोकगीत है जैसे अपने तेजा, तेजा गीत है। तेजा गीत जो है तेजा जी के गीत है। तेजा गीत जो है तेजा जी के गीत है। किसका गीत है? तेजा जी के, जो किसानों के प्रेरक गीत है। क्या है? किसानों का प्रेरक गीत है। किसानों का प्रेरक गीत है। क्या है? किसानों का प्रेरक गीत है। कौन सा गीत है? तेजा गीत जो है तेजा जी के लिए गाया जाता है, जो किसानों का एक प्रेरक गीत है। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखिए, आगे और लोकगीत देखिए अपने इसमें। यहाँ नेक्स्ट लोकगीत है सूंटिया। कौन सा गीत है? सूंटिया। सूंटिया, सूंटा गीत जो है ये वर्षा ऋतु में गाए जाते हैं। कब गाए जाते हैं? वर्षा ऋतु में। और कहाँ गाए जाते हैं? मेवाड़ में गाए जाते हैं। कहाँ? मेवाड़ में। और देखें कि सूंटा गीत क्या होता है कि बिलनी स्त्री द्वारा जब उसका पति विदेश चला जाता है, और बिलनी स्त्री द्वारा उस पति को संदेश भेजने के लिए जो गीत गाती है वह सूंटा गीत कहलाता है। यहाँ देखिए अपन, बिलनी स्त्री द्वारा अपने पति के विदेश जाने पर संदेश भेजने के लिए जो गीत गाती है वह जो गीत गाती वह तो वह गीत कौन सा गीत कहलाता है? सूंटा गीत कहलाता है। कि जब बिलनी स्त्री के द्वारा उसका पति विदेश चला जाता है, और बिलनी स्त्री द्वारा अपने पति को संदेश भेजने के लिए जो गीत गाती है उन गीतों को सूंटा गीत कहलाता है। जो वर्षा ऋतु में गाए जाते हैं, तो मेवाड़ में प्रचलित है। सूंटा गीत कहाँ प्रचलित है? मेवाड़ में। ठीक है, और न और देखिए अपने इसमें मुमल गीत। कौन सा गीत है? मुमल गीत। ठीक है, मुमल गीत के बारे में देखें, ये जैसलमेर में प्रचलित है, और अपने श्रृंगार का नक्षिक सौंदर्य का प्रकट करते हैं। ठीक है, ये जैसलमेर में गाए जाते हैं। मुमल जो गीत जो है जैसलमेर में गाए जाते हैं। कहाँ गाया जाता है? जैसलमेर में। और इस मुमल इसके मुमल गीत के अंतर्गत अपने राजस्थान में जो है इस मुमल का नक्षिक सौंदर्य का वर्णन किया जाता है। किसका? मुमल का नक्षिक सौंदर्य का वर्णन किया जाता है। ठीक है, देखिए अपन इसमें इस संगारिक गीत में मुमल का नक्षिक वर्णन किया जाता है। किस गीत में किया जाता है? मुमल गीत में, जो जैसलमेर में गाया जाता है।
और ये संगारिक गीत है, इसमें मूमल का नक्षिक वर्णन किया जाता है। और क्या किया जाता है? मूमल का नक्षिक वर्णन किया जाता है। ठीक है, ये मूमल है, इसमें कि मूमल का जो प्रत्येक शरीर का जो है जो, और संगारिक गीत है जो मूमल के द्वारा जो श्रृंगार किया जाता है, उस एक एक श्रृंगार का वर्णन इस मूमल गीत में किया जाता है। यह है नक्षिक वर्णन है। ठीक है, कि महिलाओं के जो मूमल के द्वारा जो आभूषण पहना जाता है या फिर जो श्रृंगार किया जाता है, उस एक एक श्रृंगार का वर्णन जो मूमल गीत में किया जाता है। ठीक है, मूमल गीत में मूमल के एक एक श्रृंगार का वर्णन किया जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट देखिए अपन इसमें लांगुरिया लांगुरिया गीत देखें। लांगुरिया गीत जो है केला देवी के वहाँ गाए जाते हैं, केला देवी की आराधना में, केला देवी की आराधना में गाए जाने वाले गीत कौन से गीत कहलाते हैं? लांगुड़िया गीत कहलाते हैं। ठीक है, कि लांगुड़िया गीत जो कैलाश देवी की आराधना में गाए जाने वाले गीत है। ठीक है, जो करौली में है, कैलाश देवी का मंदिर कहाँ है? करौली में। कैलाश देवी की वहाँ पर कैलाश देवी का उपनाम एक नाम है अंजनी माता भी, कैलाश देवी को अंजनी माता भी कहते हैं। जो हनुमान जी की माता है अंजनी माता, इनको कैलाश देवी के रूप में पूजते हैं, अंजनी माता भी है और इनको केला देवी भी कहते हैं। जो हनुमान जी की माँ है अंजनी माता, उन्हीं के रूप में इनकी पूजा पूजते हैं उनको। ठीक है, ये लांगुड़िया गीत गाए, यहाँ केला देवी की आराधना में जो गीत गाए जाते हैं उनको लांगुड़िया गीत कहते हैं। जो केला देवी के मंदिर के बाहर महिलाओं के द्वारा ये लांगुड़िया गीत गाया जाता है। और यहाँ पर पड़ने वाला मेला लक्की मेला है। कौन सा मेला है? लक्की मेला पड़ता है यहाँ पर, केला देवी के यहाँ पर लक्की मेला बढ़ता है। ठीक है, इस लक्की मेला का प्रश्न कितनी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि लक्की मेला कहाँ बढ़ता है, तो केला देवी करौली में ये लक्की मेला बढ़ता है, जहाँ पर लांगुरिया गीत गाए जाते हैं। ठीक है, और देखिए अपन इसमें और गीत है बिछुड़ो गीत। कौन सा गीत है? बिछुड़ो बिछुड़ो गीत, बिछुड़ो गीत जो हाड़ौती क्षेत्र में गाया जाता है। कहाँ गाया जाता है? हाड़ौती क्षेत्र में। देखिए इसमें यह हाड़ौती क्षेत्र में कालबेलिया जाति की महिलाओं के द्वारा ये गीत गाया जाता है। हाड़ौती क्षेत्र में कालबेलिया कालबेलिया की औरतों द्वारा ये गीत गाया जाता है। किसके द्वारा गाया जाता है? कि हाड़ौती क्षेत्र में बिछुड़ो गीत जो है हाड़ौती क्षेत्र में कालबेलिया जनजाति की औरतों के द्वारा एक ये बिछुड़ो गीत गाया जाता है। हाड़ौती क्षेत्र अपन देखें तो कौन सा है? कोटा बूंदी बारा झालावाड़ जिले को हाड़ौती क्षेत्र कहते हैं। वहाँ की जो कालबेलिया जो औरतें हैं, कालबेलिया जनजाति की औरतें हैं, उनके द्वारा जो गीत गाया जाता है उस गीत को बिछुड़ा गीत कहते हैं। कौन सा गीत कहते हैं? बिछुड़ा गीत। ठीक है, बिछुड़ो गीत या बिछुड़ा गीत है। आगे और देखें, नेक्स्ट लोकगीत है हमशिड़ू। कौन सा है? हमशिड़ू। ये हमशिड़ू परीक्षा में पूछा जाता है कि हमशिड़ू क्या है, डायरेक्ट पूछा जाता है कि हमशिड़ू है कि लोकगीत है, लोक नृत्य है, किसी वाद्य यंत्र का नाम है या किसी जाति का कुछ आदिवासी जातियों के इलाके में कुछ प्रचलित विवाह है, तो यह हमशिड़ो क्या है? यह हमशिड़ो एक लोकगीत है। क्या है? लोकगीत है, अपने राजस्थान का लोकगीत है हमशिड़ो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये कितनी बार परीक्षा में पूछा जा चुका है हमशिड़ो क्या है, तो राजस्थान का एक लोकगीत है। देखिए अपन इसमें हमशिड़ो जो मेवाड़ में गाया जाता है, जो बिलों का युगल गीत है। क्या है? बिलों का युगल गीत है। क्या है? बिलों का युगल गीत है, कि बिलों में और पुरुष और महिलाओं के दोनों के द्वारा ये गीत गाया जाता है, इसलिए इसको बिलों का युगल गीत कहते हैं। इसमें हम शिड़ो गीत में
पुरुष व महिलाओं दोनों के द्वारा ये गीत गाया जाता है, हम छोड़ो गीत, इसलिए बिल पुरुषों बिलों का युगल गीत कहलाता है। ये मेवाड़ में प्रचलित है, क्योंकि सबसे ज़्यादा बिल जनजाति कहाँ पाई जाती है, मेवाड़ में पाई जाती है। मेवाड़ की बात करें तो मेवाड़ में उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़, भिलवाड़ा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, ये 6 से 7 जिले आ जाते हैं, 7 जिले आ जाते हैं यहाँ पर इसमें मेवाड़ में। ठीक है, आगे देखें, आगे नेक्स्ट लोकगीत है पंछिड़ा। कौन सा लोकगीत है? पंछिड़ा। ये पंछिड़ा जो है ढूंढाड़ व हाड़ोती में, ढूंढाड़ व हाड़ोती में गाया जाता है, ढूंढाड़ व हाड़ोती में, ढूंढाड़ हाड़ोती में ये गीत गाया जाता है। कौन सा गीत? पंछड़ा की जो ढूंढाड़, ढूंढाड़ की बात करें, ढूंढाड़ में जयपुर आ जाता है, पूरा जयपुर और दौसा का कुछ क्षेत्र आ जाता है। हाड़ोती में कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ क्षेत्र आ जाता है। इन जिलों में पंछड़ा लोकगीत गाया जाता है। पंछड़ा लोकगीत के अंतर्गत अलगोजा वाद्य यंत्र, अलगोजा ढोलक मंजीरों के साथ सामूहिक गीत जो वीर रस से संबंधित है, वीर रस से संबंधित है। कौन सा गीत वीर रस से संबंधित है? पंछड़ा गीत जो है वीर रस से संबंधित है, जो ढूंढाड़ो हाड़ोती क्षेत्र में गाया जाता है। इसमें अलगोजा, ढोलक और मंजीरों का प्रयोग किया जाता है, और ये मंजीरों के साथ सामूहिक गीत जो वीर रस से संबंधित है। कौन सा वीर रस से संबंधित है? कौन सा गीत है? पंछड़ा लोकगीत जो वीर रस से संबंधित है। ठीक है, और लास्ट देखिए, इसमें एक गीत होता है जच्चा। कौन सा? जच्चा। जच्चा गीत जो है पुत्र के जन्म पर ये जच्चा गीत गाया जाता है। कब गाते हैं? जब पुत्र का जन्म होता है, उस पुत्र के जन्म पर जच्चा गीत गाया, पुत्र के जन्म पर महिलाओं के द्वारा जच्चा गीत गाया जाते हैं। एक लास्ट गीत है हिचकी। कौन सा गीत है? हिचकी। कि हिचकी क्या होता है कि जब अपन ये सोचते हैं कि अपने को जब कोई याद करता है तब अपने को हिचकी आती है, ये हिचकी एक गीत भी है। क्या है? एक गीत भी है जो अलवर में अलवर के मेव क्षेत्र में गाया जाता है। अलवर के मेवात क्षेत्र में गीत गाया जाता है। कौन सा गीत गाया जाता है? ये हिचकी गीत जो है अलवर के मेवात क्षेत्र में ये गीत गाया जाता है। ठीक है, यहाँ अपने लोकगीत समाप्त होता है। ठीक है, ये अपने सारे लोकगीत जो इम्पोर्टेंट थे वह मैंने करवाए हैं। ठीक है, जो अक्सर परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलो।